नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमिंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का अभिवादन करती हूं, खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोरों पर हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य के राजनीति का रोड मैप दिल्ली में लगभग लगभग तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में ही होंगे, ऐसा फैसला लिया गया है। वहीं एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि जो यूपी के अलावा जो दूसरे 5 राज्य हैं उनमें मोदी को एज ए फेस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संघ का ये मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी इमेज को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं और संघ किसी भी नेता को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। अब इस पर योगी को खरा उतरना है। महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार को साथ लाने पर भी विचार हो रहा है। आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में मोहन भागवत और दत्तात्रेय घोष बोले कि मौजूदगी में ये फैसले लिए गए। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के काफी गंभीर चिंतन और समीक्षा की गई। संघ के नेताओं का ये मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनाम मोदी जो एक राजनीति हुई है दोनों को लेकर के, उससे काफी नुकसान हुआ है। इसमें चुनाव हारने से अहम है कि राजनीतिक विरोधियों को प्रधानमंत्री पे बार बार हमला बोलने का मौका मिला, इससे उनकी इमेज को नुकसान होता है। इससे पहले भी बिहार में 2015 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस रणनीति से कोई फायदा नहीं हुआ था। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मोदी की इमेज मुसलमान विरोधी बनाने की भी कोशिश की। उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, इससे मुसलमान वोटर एकजुट हो गए और लगभग 70% से ज्यादा मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर के चुनाव नतीजों को एक तरफा कर दिया। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान आबादी काफी है और करीब 75 सीटों पर वे नतीजों पर असर डाल सकते हैं। यूपी में भी मोदी को चेहरा बनाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकती है, सफल हो सकती है। बैठक में कहा गया कि खास तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी की इमेज मुसलमान विरोधी नहीं है और गोरखपुर के साथ जो जुड़े हुए इलाके हैं वहां पे मुसलमानों और पिछड़ों में गोरखनाथ मंदिर पर भरोसा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ मंत्री के मंदिर के महंत के तौर पे वहां पर थे और स्थानीय मुसलमानों की मदद से मंदिर के विवाद को सुलझाते रहे और उनकी मदद भी करते रहे। मकर संक्रांति पर मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में ज्यादातर दुकानें मुस्लिम व्यवसायियों की होती हैं। एक और अहम बात पर बड़ी गंभीरता से विचार किया गया कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारने जा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था, वो एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आरएसएस के वरिष्ठ नेता भले ही आप ना माने, लेकिन सच ये है कि मोदी और योगी के बीच में कोई विवाद नहीं है, ऐसा उनका मानना है। और यूपी बीजेपी के ट्विटर अकाउंट या पोस्टर से मोदी की फोटो हटाने की बजाय विधानसभा चुनाव योगी के चेहरे के साथ लड़ने का निर्णय ले रही है। दोनों नेताओं को साथ साथ काम करने और इस छवि को और मजबूत करने के लिए कहा गया है, इसलिए अब यूपी के पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दिखाई देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को देखते हुए योगी की फोटो जारी की गई और मुख्यमंत्री ने वैक्सीन मुफ्त करने के केंद्र के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। हालांकि अभी बीजेपी नेतृत्व को अंतिम निर्णय करना है कि क्या वे सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव में उतरना चाहते हैं या नहीं।
जल्द ही इस पे एक ठोस निर्णय हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।